नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। सागर में युवक को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पक्ष ने मामले को झूठा ठहराया। बीजेपी आरएसएस पर पुलिस द्वारा दबाव डालकर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप भी लगाया और निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। भोपाल में भी राजनीति गरमाती नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। आप यहाँ पे किस काम से आए हैं? मैं अपने लड़के के लिए आवेदन लगाने आया हूँ, एसपी साहब से गुजारिश करने आया हूँ। मैं मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मेरे लड़के कल्लू और फादुल के लिए पुलिस ने पकड़ कर अरेस्ट कर दिया और हम आवेदन एसपी साहब के द्वारा आवेदन लगाने आए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमारे लड़के को जेल कर दिया और बीजेपी आरएसएस के लोग अपना सपोर्ट पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। बजरंग दल बीजेपी और आरएसएस वाले दबाव डाल रहे हैं पुलिस के ऊपर केस क्यों नहीं बना रहे आप लोग? हमारे लड़के बेगुनाह है साहब, बेगुनाह है हमारे लड़के। हमारे लड़के हमारे लड़के बेगुनाह है बिल्कुल। और कह रहा है कि मुसलमानों ने आग लगाई, मुसलमानों ने आग लगाई, इसकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए। हमारे लड़के बेगुनाह है बिल्कुल बेगुनाह है। हमारे लड़के उस वक्त जज पाठ पे नहीं थे जिनका नाम लिया जा रहा है। हमारे लड़के बेगुनाह है साहब, हमारे लड़के बिगड़ा है। एसपी साहब के द्वारा आवेदन लगाने आए हैं साहब। जब हम आदमी है नहीं सर, पाँच छह बच्चे हैं और वो लड़का खेला। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। अभी आप एसपी साहब से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्हें आश्वासन दिया है कि इसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। एसपी साहब बोल रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच आग लगा ली और सरकार उन्होंने झूठ बोली है। उन्होंने खुद आग लगाई है। वो दारू खोरता लड़का दारू पी के उसने आग लगाई है। इनको सजा दे। अगर कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे तक कार्रवाई करेंगे। हम आगे तक कार्रवाई करेंगे, बार बार आएंगे। उसी ब्लॉक में हम अपने बच्चों का, पांच बच्चे हैं, आत्महत्या कर लेंगे सर। मार डाल अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारा कौन बैठा है? हमारा जाएंगे सर। हम लोग झूठ बोल के अपनी जीत करवा ली। करवाया जाए कि हाँ तू माँ है, तीन तीन बच्चे हैं तेरे, तो तू ईमान कर कि उन मुसलमानों ने आग लगाई है कि नहीं, नहीं तो तू जल्लाद से। हम कुरान उठाने के लिए तैयार है। कुरान जो हमें कुरान हमें निस्तो नाबूद कर ले। अगर हमारे लड़के अगर इसमें गुनाह में शामिल है तो हम कुरान उठाने को तैयार है। आप इसकी निष्पक्ष जांच करवाइए। लड़कियों को छेड़ा हमारी, हाँ किबाड़ में बाढ़ तोड़ दीजिए। ये घर पे नहीं थी, ये घर पे नहीं थी। इनकी लड़कियों को छेड़ने के लिए दरवाजों में लाते मारी गई। रिपोर्ट करेंगी, हमारी सजा हो जाएगी। हम इससे पहले तेल डाल के और आग लगा ले और सारी दुनिया को बता दी कि मुसलमानों ने आग लगाई। मुसलमान इसीलिए सरकार पीछे है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। इनके पास क्या सबूत है सर के? जे बता दे कि हमारे भाइयों ने आग लगाई। हमारे भैया हमारे लड़के कोई उम्र वहाँ पे बात पे नहीं थे। हमारे लड़के कोई उम्र बात पे नहीं थे और हमें अन्याय नहीं मिला सर, तो हम बहुत ही कालानी में आग लगा के हम भी मर जाएंगे सर। हमारा कोई नहीं है, आदमी नहीं है सर, पांच पांच लड़कियां हैं। हमारा कोई सहारा नहीं है सर। बस क्या मामला है? ये आरोपी पक्ष की तरफ से लोग आए थे और इनका ये कहना था कि कुछ लोग इसमें निर्दोष हैं और इसकी जांच सही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इसके प्रकरण की पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही है। ये उनका जो आवेदन है उन्हीं के पास विवेचना में शामिल करने के लिए मैंने भिजवा दिया। मुंडा पांडे के गांव पैदुरिया के ग्रामीण उन प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे गांव के अंदर प्रधान और सचिव द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया, जिसको लेकर आज हम पोलियो की दवाई का बहिष्कार कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को पोलियो की दवाई जब तक नहीं पिलाएंगे जब तक हमारे गांव के अंदर विकास कार्य नहीं होगा। हमने इससे पहले भी विकास कार्यों को लेकर ब्लॉक से लेकर डीएम साहब तक को लिखित रूप में शिकायत दी थी कि हमारे गांव के अंदर ग्राम प्रधान द्वारा कोई विकास नहीं कराया जा रहा, लेकिन अभी तक अधिकारी मौन है। बूथ पेंडुरिया गाँव में बूथ लगा था और वहाँ विरोध वाली बात सामने आई। ग्रामीण जनों का ये मानना है कि उनकी पहले रोड बनना चाहिए, तब दवाई पिलाएंगे। तो
इस बात को पे विचार किया जा रहा है कि गांव ग्रामीण जनों को कैसे समझाया जाए। हमारी एजेंसीज हैं यूनिसेफ, कोरेड्रा, और अब हम 2-3 दिन में उनसे बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेंगे। चूंकि डेवलपमेंटल इशू और स्वास्थ्य आपस में इस तरह लिंक नहीं किए जा सकते कि ये कराइए तब ये होगा या वो कराइए तब वो होगा। रोड और स्वास्थ्य की पोलियो ड्रॉप से कोई ऐसा लिंक नहीं है कि इसकी वजह से, रोड की वजह से पोलियो ड्रॉप पीने पर मनाही की जाए। तो हमें पूर्ण भरोसा है कि हम ये 2-3 दिन में मामला सुलझा लेंगे और सभी बच्चों को पोलियो की दवाई पिला लेंगे। इस समय उनका मानना यह है पोलियो की दवाई किस समय पिलाई जा रही है? कल नहीं पिलाई गई, कल पिलाई जानी थी, संडे के दिन बूथ लगा था। अब हमारा हाउस टू हाउस प्रोग्राम चल रहा है जो शुक्र तक चलेगा। तो कितने बच्चे होंगे लगभग इसमें? बच्चे हैं 150 पीपल, 104 बच्चे हैं करीब उस गांव में। 104 बच्चे। हाँ, पेंडुरिया मुंडा पांडे ब्लॉक में, और ये संज्ञान में आ चुका है और इस पे हम लोगों ने अपने स्तर से काम करना शुरू कर दिया है और 2-3 दिन में हम इस विरोध को सुलझा लेंगे। मेरा नाम डॉक्टर MC गर्ग है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से लगातार शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला जिले के सुजालपुर तहसील के ग्राम मायापुर, जहां शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक होते हुए भी पदस्थक तीनों शिक्षक समय से पहले ही स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। वहीं दोपहर 3 बजे ही स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। ऐसे में बच्चों का भविष्य भले भांति अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पत्रकारों ने जब शिक्षकों से फोन पर बातचीत की तो जवाबदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुस्कान, 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 ये बताओ शनिवार के दिन कितने बजे छुट्टी हो गई थी? 4 बजे। 4 बजे तो नहीं हुई, 3:30 बजे तो हम ही खड़े थे यहाँ पर। कितने बजे हो गई थी? 4 नहीं, भंडारा था, लेकिन कितने बजे हो गई थी छुट्टी? परिचय बताइए अपना। हाँ, मैं शाख तिवारी मैडम। स्कूल का नाम? शासकीय प्राथमिक विद्यालय मायापुर। सैटरडे के दिन प्रभार आपके पास था? सैटरडे जिम्मेदार थे स्कूल के? प्रभार था, लेकिन मेरे पास में ये बच्चे ना वहाँ पे भंडारा था, तो ये लोग बोल रहे थे कि हम जाएं, तो मैंने बोला कि अब एक दो बच्चे आए थे तो कि दी हम जाएं, तो मैंने बोला जाओ बेटा। कितने छात्र आए थे? नहीं, एक दो बच्चे यानी और तो चले गए। आपके पास किसी प्रकार का शासन का निर्देश था कि आप भंडारे में जा सकते हो स्कूल टाइम पर? बताइए, जवाब दीजिए मैडम। मैम, आप इस स्कूल में आपके आपने प्रभार है, परसों के रोज यहाँ पर 2 बजे छुट्टी कर दी गई थी, आप इन लोगों के ऊपर क्या क्या एक्शन लेंगे? जी, मैं लोगों को नोटिस दे रही हूँ इस संबंध में, और शासन के जो वरिष्ठ कार्यालय के अनुसार जो होगा उनकी कार्रवाई की जाएगी। आप बताइए कितने लोग, कितने शिक्षक उस दिन छुट्टी पर थे? मैं स्वयं छुट्टी पर थी, उसके अलावा कोई छुट्टी पर नहीं। कितने शिक्षक पदस्थ थे यहाँ पर? यहाँ पे एकीकृत शाला में, एकीकृत शाला में 3 तो प्राथमिक में, 1 में मिडिल में, एक ही मतलब है। जी जी, ठीक है, क्वेश्चन कर लो। मैडम इधर आ जाइए, रहने दीजिए वो, चलो छोड़ो विकलांग। शिक्षकों की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले की सुजालपुर तहसील के ग्राम मायापुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय दोनों समय से पहले बंद कर दिए गए हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते शिक्षक 3 बजे ही स्कूल में ताला लगाकर घर चले गए हैं। वहीं जन शिक्षक से फ़ोन पर बातचीत की गई, जन शिक्षक ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। शाजापुर से जिला ब्यूरो, भरत सिंह अग्रवाल।
जनपद हापुड़ में ग्राम पंचायत अनुपुर डिबई की माजरा सकुलमपुरा मिलक प्राथमिक विद्यालय मात्र 9 बच्चों के सहारे चलाया जा रहा है। जहां सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं बच्चे पढ़ाओ, वहीं सकुलमपुरा प्राथमिक विद्यालय में 9 बच्चों पर 2 टीचर एवं 1 शिक्षक मित्र तैनात है। इसके चलते टीचरों में भी ग्रुपबाजी उत्पन्न है। वहीं आपको बता दें कि इसका खामियाजा ग्रामवासियों को झेलना पड़ रहा है। मास्टर जी क्या नाम है? रविंद्र पाल। अच्छा, कौन से स्कूल के में हो? प्राथमिक विद्यालय सकुलमपुरा। अच्छा, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? कुल रजिस्टर्ड 9 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बच्चे डेली हाजिरी हो जाती है? औसतन 5। अच्छा, 5। अच्छा, खाना बन के कहाँ से आता है? खाना यहीं बन रहा है रसोई में। अच्छा अच्छा, 5 बच्चे। टीचर कितने हैं आपके यहाँ? टीचर 2 टीचर हैं, 1 शिक्षा मित्र हैं। 3 लोग हैं जी। बच्चे 9 हैं जी। कुल प्रवेश 5 का, मतलब 5 का 9 का प्रवेश है। 5 बच्चे आपके यहाँ हाजिर होते हैं? हाँ, औसतन। अच्छा, सब गांव के ही हैं या कहीं बाहर के हैं? नहीं, यहाँ के 4 बच्चे हैं और कुछ बाहर के भी हैं। अच्छा, जैसे कहाँ के हैं? सिंभावली। अच्छा, सिंभावली खुड़लिया। अच्छा, सिंभावली खुड़लिया। गांव में बच्चे नहीं मिल पाते? गांव में तो एक गांव वाले से पूछी जाए क्या हो रहा है। मैं तो गया था गांव में। जैसे आप प्रधान अध्यापक हो गांव में, आपने जाके उन्होंने प्रवेश कराने से मना कर दिया। मना कर दिया जी। क्या नाम है आपका? सेल सिंह। अच्छा, क्या आप कहाँ टीचर हैं? सुकलमपुरा में। अच्छा, सुकलमपुरा। कितने बच्चे आते हैं आपके यहाँ? यहाँ पे जो है लगभग कभी कभी 5 आ जाते हैं, मास्टर जी ले आते हैं, कभी कभी 3। अच्छा, ऐसा क्या है जो गांव वाले यहाँ बच्चा भेजना नहीं चाहते? ऐसा सर, यहाँ पे ये है कि हेडमास्टर जी जो है ये चोरी का, गाँव वालों पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं और हमारे ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगाते हैं, शमसुनिशा मैडम पे और मुझ पे भी चोरी का इल्जाम लगाते हैं कि चोरी करवाते हैं, चोरी करते हैं, रजिस्टर फाड़ने का झूठा। अच्छा, कभी DIO साहब से इस बात को या BSA साहब से बात की आपने? हमने खंड शिक्षा अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे दी थी। भाजपा के एक विशाल जनजागरण रैली 22 जनवरी को शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में होनी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में राजनाथ सिंह करीब 1.5 घंटे क्रांतिधार मेरठ में रहेंगे, जिसके चलते शासन में भी कार्यक्रम जारी किया है। ऐसे में मेरठ भाजपाइयों ने भी रक्षा मंत्री के रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सर, ये जो राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा को लेकर कितना पुख्ता इंतजाम किया हुआ है? ये कल काफी भीड़ आने की संभावना है, उसी के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरियर्स बनाए गए हैं, पार्किंग्स बनाई गई हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है सभा स्थल की, मंच की, हेलीपैड की, इन सभी पर भारी मात्रा में पुलिस बल और PSC तैनात की गई। बुधवार को BJP की एक विशाल रैली मेरठ में होने वाली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शिरकत करेंगे और CAA को लेकर जो भ्रम लोगों में फैलाया गया उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में विपक्ष ने भी इस रैली से पहले BJP को घेरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज प्रेस वार्ता कर विपक्ष नेताओं ने कहा कि क्या धारा 144 विपक्ष पर ही लागू है? क्या सत्ताधारियों के लिए धारा 144 लागू नहीं है? सत्ताधारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई धारा 144 नहीं है। वो ना कोई परमिशन दे रहे, फ्रीली अपनी मीटिंग कर रहे हैं, धारा 144 तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, उनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं, उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा कि आपने परमिशन ली ना ली। विपक्ष को कहीं कोई बैठक नहीं की जा रही, कोई धरना नहीं देने दे रहे, परमिशन देते नहीं है, परमिशन कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि अखिलेश जी की और जयंत जी की रैली थी बिजनौर में, वो एक दिन पहले कैंसिल कर दी गई, क्योंकि उसमें कई लाख लोग इकट्ठा होते, किसानों की आवाज उठाई जाती, तो वो कैंसिल कर दी गई। ऐसे ही आगे की रणनीति यह है कि हम सब विपक्ष के लोग 27 तारीख को इस सरकार की, इस जाति के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो ये कर रहे हैं उसके खिलाफ कमिश्नरी पार्क पर धरना देंगे। चौधरी साहब की स्टेचू वहाँ ऑलरेडी है, महात्मा गांधी की और अम्बेडकर की रख के वहाँ धरना देंगे और इस सरकार के इस निर्णय का विरोध करेंगे, धारा 144 तोड़ेंगे, कोई परमिशन नहीं लेंगे और उसका विरोध करेंगे। जो सरकारी मशीनरी इनके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में लग रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और सारे अधिकारी ऐसे लग रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों। अब CAA में तो ये धारा 144 नाम से तो लगाई रखी है, CAA का तो पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में
इतना जबरदस्त विरोध है और उसका काउंटर करने के लिए ये अब ये समझाने का जो ड्रामा कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा हो गया है ना। अब आप जनपद मेरठ का ही देख लो, ना हवाई जहाज उड़े, ना कूड़ा निस्तारण हुआ, ना इनर रिंग रोड बनी, ना आउटर रिंग रोड बनी। क्या सहूलियत दी इन्होंने? सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। आप बताइए क्या हुआ मेरठ में? कुछ भी नहीं हुआ। जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार से मिलने आ नहीं सकते, पहले एनआरसी है, जिसके बच्चे चले गए उनसे कोई पूछने वाला है? शासन प्रशासन का आदमी कोई गया? प्रशासन के खिलाफ मुकदमे लिखे गए? कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, पुलिस की गोली से मारे गए। यदि पीड़ित परिवार से मिलने भी कोई आता है तो उसकी अनुमति नहीं है। नहीं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अनुमति नहीं है। प्रियंका जी आती है लेकिन एक भीड़ जुटाने के लिए, एनआरसी पे समर्थन जुटाने के लिए हजारों हजारों की भीड़ सड़कों पे घूम रही है भाजपा की, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच की मांग हमने की थी। जैन जी ने भी कोई ट्वीट की थी, हम कमिश्नर आईजी साहब से मिले थे, उसकी जांच की मांग की थी। प्राइवेट गाड़ियों में लोग पुलिस की गाड़ियों के साथ थे और डंडे वगैरह उसमें सब थे, तो उसका अभी तक कोई इन्होंने नहीं किया, किस पर मुकदमा नहीं हुआ कि कौन पुलिस के अधिकारी थे जो प्राइवेट गाड़ियों में लोगों को लेकर चल रहे थे। जिस तरह का कई वीडियो वायरल हुई, तो पुलिस वाले से पत्थर मार के तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। अच्छा, गन्ने का पेमेंट ये सरकार कह रही थी कि 14 दिन में देंगे, क्या हो रहा पेमेंट? क्या कितना ये बैठे जैन साहब लिखते हैं ज्यादा इस पे? 500 करोड़ रुपया 6 चीनी मिलों पे अब भी बकाया है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी का नाम नहीं। नशे के विरुद्ध एसएसपी हरिद्वार के दिशा निर्देश अनुसार मंगलोर पुलिस ने अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर गंग नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान सियाज गाड़ी में से 23 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये मद्देनजर उच्च अधिकारियों द्वारा एसएसपी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इसकी चेकिंग की जाए। कल मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति पानीपत से जो है वहाँ की जो शराब है पानीपत ब्रांड की, हरियाणा ब्रांड की, वो शराब लेके आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा नहर पट्टी पे पुलिस टीम द्वारा एक सियाज गाड़ी को रोका गया, जिसमें चेक किया गया तो उसमें लगभग 23-24 पेटी जो हरियाणा ब्रांड की है वो दारू पकड़ी गई, जिसके इनके विरुद्ध दो मुलजिम पकड़े गए हैं। एक मुनीर है जो पुरकाजी का रहने वाला है, दूसरा सचिन है जो खेड़ा चट का रहने वाला है। इनके विरुद्ध 60/72 एक्साइज एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता गया तो इनके विरुद्ध अन्य थानों में, पुरकाजी में और मंगलौर में पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत गए हैं। इनके विरुद्ध आगे अन्य कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में एसटीएफ गोवन संरक्षण रिक्वायर टीम व स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबह ही नगर के नजदीक ग्राम भगोरा में छापेमारी कर प्रतिबंध मांस सहित एक तस्कर को पकड़ा है। चार मौके से फरार हो गए, साथ ही 150 किलोग्राम गोमांस, जिंदा गाय और छुरा, एक खाल तराजू भी बरामद हुई है।